बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों जैसा कि हम SSC के लिए आपको इंग्लिश की एक्सपेक्टेड सेट्स प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने कहा था 25 सेट प्रोवाइड करने को, 6 सेट ऑलरेडी हमने कर लिए, लेकिन मुझे लगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है SSC CGL 2019 के जो TCS ने आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र पूछे थे उनको सॉल्व करवाना। तो CGL 19 के प्री में 18 शिफ्ट टोटल हुए थे और इन 18 शिफ्ट का सलूशन आपको बहुत जल्द मैं चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये होगा पहला सेट जिसमें हम करेंगे 3 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के सभी 25 क्वेश्चंस। 3 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट के सभी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और सभी 18 सेट 18 दिनों में कर लेंगे। डेली आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इससे CPO की हमारी एक्सपेक्टेड सेट के क्लासेज चल रहे हैं जिसमें हम SSC में प्रीवियस ईयर पूछे गए जो TCS ने पूछे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अंग्रेजी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं एकदम फ्री। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, वीडियो आते ही टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा, तो आप जाके PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हार्ड कॉपी निकलवानी है, प्रिंटआउट निकलवाना है, तो आप निकलवा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया फिल इन द ब्लैंक का है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक करें, यानी खाली स्थान की पूर्ति करें। कह गया बी मस्ट डॉट 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 हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल, यानी कि हमें हेल्प करनी चाहिए किसकी, होमलेस और फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल की, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल है उनकी, ठीक है, और किसकी, फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल की। होमलेस जो है यानी फिजिकली डिसेबल्ड है उनकी, और जो क्या है, होमलेस है यानी कि जो घर नहीं है जिनके पास, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखो आपको यहाँ पे कहा गया कि क्या भर सकते हैं, यहाँ पे भरना है कुछ हेल्प करने की तरह, यानी ऐसा वर्ड भरना है जिसकी मीनिंग हो हेल्प करना। ये पेपर जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, CPO CGL के 2020 में भी एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा, CHSL के जो बचे हुए पेपर हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा, और जो आपके मतलब पेपर्स SSC के जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सारे पेपर्स TCS करवाएगी। अब आपसे कहा गया आपको यहाँ पे हेल्प वाला कुछ वर्ड यूज करना है, यानी हमें हेल्प करनी चाहिए किसकी, होमलेस और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल की। अगर हम चारों वर्ड की मीनिंग जानेंगे तो आप आसानी से फिल कर पाएंगे। तो अगर मैं आप पूछें मुझसे कि सर रेंडर मींस क्या होता है, तो रेंडर मींस होता है किसी को सहायता प्राप्त करना, किसी को क्या करना, सहायता प्राप्त करना, किसी को सहायता प्राप्त, सहायता प्रदान करने को क्या कहते हैं, रेंडर करना, ठीक है। डोनेट मींस होता है किसी को दान करना, कोई चीज़ दान करने को कहते हैं डोनेट करना। एग्जर्ट मींस क्या होता है, एग्जर्ट मींस होता है कि जैसे किसी पावर वावर का यूज़ करना, लाइक किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या शक्ति शो कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्जर्ट, यानी कि यू आर एग्जर्टिंग योर पावर, यानी आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एग्जर्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रयोग करना, इसको निगेटिव वर्ड मान सकते हैं कि प्रयोग करना इसका अर्थ होता है। और अगर हम बात करें कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूट मींस होता है योगदान देना, योगदान देना, यानी किसी चीज़ में आप अगर योगदान मांगा जा रहा है, योगदान दे रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ पे हमें हेल्प देनी है तो हम यहाँ पे कहेंगे रेंडर, यानी बी मस्ट रेंडर टू होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी हेल्प या रेंडर कुछ भी आ सकता है। अगर आप हेल्प भी कह सकते हैं और रेंडर भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे आपकी कौन सी मीनिंग यूज होगी, जिसका मतलब होता है सहायता प्रदान करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, क्योंकि रेंडर मीन्स होता है सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया गिवेन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी आपको करेक्ट ऑर्डर में बिठाना है। कहा गया हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। अब देखो आपको एक चीज़ तो दिख गया कि सर दिस चेंज से और हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है जबकि, जबकि तब बोला जाता है जब उससे पहले कोई बात बोली गई हो, यानी ए से आपका वाक्य नहीं शुरू हो सकता, और दिस चेंज, दिस किसके लिए यूज किया गया हमें नहीं पता, तो बी से भी हमारा वाक्य नहीं शुरू हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, CBDA एंड CABD। अब कहा गया फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, सॉरी हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ेंगे अगर, तो हाउएवर आ गया इसमें, जबकि हाउएवर से पहले कोई बात अगर नहीं आई तो जबकि आ ही नहीं सकता। दिस चेंज, दिस किसके लिए यूज हुआ हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं स्टार्ट हो सकता यहाँ से भी। अब सी वाक्य पढ़ते हैं, कहा गया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या रिफर करती है, इनहेबिटेंट के, किसी कंट्री के इनहेबिटेंट की संख्या में बढ़ोतरी, यानी आपका शुरू यहीं से हो सकता है, यानी सी से शुरू हो गया, यानी हमारा पहला हो गया सी,
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो किसको दर्शाती है, यानी किसी देश के या किसी कंट्री के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं यानी निवासी होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि को दर्शाती है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए दिस चेंज, अब यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही थी, चेंज में, यहाँ पे चेंज की बात हुई है और इसी चेंज की बात बी में की जा रही है, यानी दिस किसके लिए आया है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए, यानी सी के बाद बी आएगा। सी के बाद बी किस ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड में, तो आपका करेक्ट क्या हो गया, सी बी डी है। यानी आपका करेक्ट क्या बनेगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। फर्स्ट, अब दो वेज, दो तरीके बताए गए, अब दो तरीकों में पहला तरीका बताया गया, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, यानी कि चेंज को दो तरह से दर्शाया जा सकता है, एक तो संख्या के रूप में और एक परसेंटेज चेंज के रूप में। पहले हमने देखा कि दिस किसके लिए यूज हुआ है, तो दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है, तो सी के बाद बी आ गया। अब टू वेज आए, कौन से दो वेज, तो उसका डी में जिक्र किया गया है, यानी सी के बाद बी, बी के बाद डी, उसके बाद ए। तो आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया, और बेसिकली ये मैं कोई भी आपको बहुत अच्छे सिखा नहीं सकता जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। कहा गया सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी पैसिव बताना है आपको गिवन सेंटेंस का। कह गया द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, यानी मैनेजर जो है वर्क को पेंडिंग रखता है। मैनेजर सब्जेक्ट है, वर्ब है, किसको, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्क है, पेंडिंग रखता है, यानी आपका सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी द वर्क से स्टार्ट होगा। कीप्स सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में पैसिव में बदलते हैं तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी आपका हो गया द वर्क इज, वर्क के बाद इज आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को पैसिव में बदलते हैं तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे इज आ रहा है नहीं, यहाँ पे इज आ रहा है नहीं, यहाँ पे इज आ रहा है नहीं, तो आपका करेक्ट हो गया द वर्क इज केप्ट। देखो यहाँ पे कीप वर्ब थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, यानी द वर्क इज केप्ट, क्या केप्ट किया जाता है, पेंडिंग, यानी पेंडिंग रखा जाता है किसके द्वारा, प्लस यहाँ पे आता है बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, मैनेजर, यानी आपका हो जाएगा द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, करेक्ट वन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। चौथे सेंटेंस में कहा गया इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि किस जिसमें ग्रामेटिकल व्याकरणीय गलती हो उसको बताना। अगर वन ऑफ द बॉयज, पढ़िए, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल का एक लड़का हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ है। अब अगर वन ऑफ द बॉय बात की गई तो आपको पता है वन ऑफ द के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वन ऑफ द और प्लस प्लूरल नाउन ये बनता है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यानी यहाँ पे हैव बीन नहीं, यहाँ हैज बीन आना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द के बाद बॉय तो आ नहीं सकता, बॉय जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आपको वन ऑफ द बॉयज यानी एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़का सिंगुलर नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, यानी यहाँ पे हैज बीन होना चाहिए, यानी एरर किस पार्ट में, हैव बीन सेलेक्टेड में, हैव बीन सेलेक्टेड की जगह पे क्या आएगा, हैज बीन सेलेक्टेड, और क्यों आएगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। पांचवा देखिए, कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब आपको समानार्थी यानी एक अर्थ वाला बताना है। ऑब्लिगेटरी, अगर आप सबकी मीनिंग जानेंगे इजिली कर पाएंगे। ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ अनिवार्य हो यानी मैंडेटरी हो, तो इसके कुछ सिनोनिम मैं लिखे दे रहा हूँ, मैंडेटरी इसका एक सिनोनिम हो गया। इसका एक सिनोनिम होता है कंपल्सरी, आपने पढ़ा होगा पेपर वगैरह में देखा होगा कि दिस क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको पता है इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके यानी अनिवार्य हो गया है कोई चीज़, इनएविटेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो सर आप कह सकते हैं कि और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपलसरी, इनएविटेबल, यानी जिसको टाला ना जा सके, इन सब का मतलब होता है अनिवार्य, हिंदी में लिख लीजिएगा अनिवार्य, ठीक है। अब अगर बात करें इसके लिए सिनोनिम की, मैंडेटरी आपका यहीं आ गया तो मैंडेटरी इसका सिनोनिम हो गया, यानी ऑप्शन वन करेक्ट हो गया। बाकी वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। रेकलेस मीन्स होता है, रेकलेस मीन्स क्या होता है, अगर आपसे कोई कहे कि सर रेकलेस है, रेकलेस मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों के प्रति, यानी आप इतनी गलती करते हैं कि खतरों से आप एकदम लापरवाह हो गए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो खतरों के प्रति लापरवाही दर्शाता हो यानी कि खतरों से खेलता हो उसको कहते हैं रेकलेस। कहते नहीं वो बड़ा रेकलेस आदमी है, यानी कि वो खतरों से बाज नहीं आता, खतरे से खेलता है, ठीक है। मौत के कुएं में जो गाड़ी चलाते हैं वो रेकलेस होते हैं, ठीक है। यूजलेस मतलब बेकार होता है। एग्रेसिव मीन्स होता है लड़ाका, थोड़ा लड़ाका प्रवृत्ति का जो होता है उसको कहते हैं
एग्रेसिव होना। तो ऑब्लिगेटरी आंख बंद करिए, ऑब्लिगेटरी का मैंडेटरी कंपलसरी इनएविटेबल, जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे आप लोग उतनी ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से बस एक ही चीज़ मिलता है, वो है आपका सपोर्ट। बड़ा अच्छा लगता है जब सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग बस लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। बाकी क्लासेज यहाँ पे फ्री में ही होंगी सारी। तो ऑब्लिगेटरी का क्या होता है, मैंडेटरी कंपलसरी इनइविटेबल, सबका मतलब होता है अनिवार्य, जिससे टाला ना जा सके। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपको बताना है कि कहाँ पे इस जो बोल्ड सेंटेंस है, मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, उसमें कहाँ पे एरर है। तो आपको यहाँ पे इसी को अंडरलाइन किया गया। अब बताना है, कहा गया द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ बी डू नॉट एक्सीड द बजट, यानी अगर हम बजट एक्सीड ना करें तो डायरेक्टर जो है वो प्रपोजल से एग्री करेगा अगर हम बजट को एक्सीड ना करें। कौन करेगा? डायरेक्टर। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी प्रपोजल से एग्री करते हैं, अगर किसी व्यक्ति से करते हैं तो आई एग्री विद यू अगर आ रहा है तो इसका मतलब होगा किसी व्यक्ति से, यहाँ पे पर्सन आना चाहिए। लेकिन अगर किसी और चीज़ से, पर्सन को छोड़ के किसी चीज़ से किसी इशू पे या किसी प्रपोजल पे आप एग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे होना चाहिए एग्री टू द प्रपोजल, यानी एग्री टू द प्रपोजल मतलब होता है प्रपोजल से एग्री करना, यानी आपका यहाँ पे आना चाहिए एग्री टू द प्रपोजल, यानी एग्री टू द प्रपोजल होता है मतलब होता है कि आप किसी प्रपोजल से एग्री कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एग्री विद अगर आएगा तो पर्सन के साथ होगा, एग्री टू आएगा तो किसी मुद्दे पे आएगा, यानी एग्री टू अगर आपको किसी, जैसे कहना है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो अगर आप बात से सहमत हैं या आपकी इन चीज़ों से सहमत हैं तो आप वहाँ पर एग्री टू द सेइंग कहेंगे, या कहावतों से अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री टू द सेइंग कहेंगे, और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो एग्री विद मी कहेंगे आप, ठीक है, समझ आ गया। तो फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लोज टेस्ट है, बड़ा आसान सा है। कहा गया कम्युनिकेशन, मैं डायरेक्ट क्लोज टेस्ट पढ़ रहा हूँ। कहा गया कम्युनिकेशन प्लेज ए डॉट 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 रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। देखिए, कहा गया कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत, अब देखो कैसा रोल प्ले करता है, बहुत ही सुंदर रोल या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसमें? डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी के विकास में। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब आएगा, जो फर्स्ट वर्ड है वो ऐसा आएगा जो आपको बताए कि सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे आप नीचे चलिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बेटर रोल, बेटर नहीं आएगा। आपको बताना है बहुत महत्वपूर्ण रोल, टोटल रोल, टोटल रोल कह ही नहीं सकते। लाइफलेस रोल, ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा वाइटल रोल। यानी कि क्या, कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइटल, VITL, वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ ए मैन में। पहला पता चल गया। कहा गया, अगला पढ़िए, इट कैन बी लर्न बाई आवर डॉट 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 एफर्ट्स। आपको पता चल गया कि जो ये कम्युनिकेशन है ये किससे लर्न किया जा सकता है, किससे लर्न किया जा सकता है। आपको पता है कि ये किससे लर्न कर सकते हैं, अगर हम लगातार कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे तो आप लर्न कर सकते हैं। यानी कि कॉन्शियस की हिंदी क्या होती है, कॉन्शियस मतलब होता है कि अपने मतलब जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, एग्जैक्ट हिंदी आप देख लीजिएगा, कॉन्शियस मतलब होता है थोड़ा लगातार, या हम संयमित कह सकते हैं, संयमित प्रयास अगर करें तो हम लर्न कर सकते हैं क्या, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका आएगा कॉन्शियस एफर्ट अगर हम डालें तो आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट और पैसेज जो है, आपकी वोकैब और आपकी RC रीडिंग, जितनी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे से आप कर पाएंगे, उतनी कम गलतियाँ करेंगे। तो जितना हो पाए उतनी रीडिंग करिए अगर आप प्री की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा इट कैन बी लर्न बाय कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट एफर्ट होगा नहीं, अनक्लियर एफर्ट होगा नहीं, कंट्राडिक्टी मतलब तो आपका होता है कि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं, विरोधाभासी एफर्ट तो हो नहीं सकता, अनक्लियर यानी कि ड्यूबियस एफर्ट तो हो नहीं सकता, यानी अस्पष्ट एफर्ट तो हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंट एफर्ट क्या होता है, एफर्ट होता है कि मतलब लगातार या संयमित एफर्ट करें या नियमित एफर्ट करते रहें, आप अपना कार्य करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी, उस वाली बात से आप सीखें। तो यहाँ पर कॉन्शियस आएगा। आपसे कहा गया कि टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डॉट 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 टू रीड। अच्छा,
पढ़ने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो आप कहेंगे क्या होना चाहिए यहाँ पे, एबिलिटी टू रीड। कहेंगे टूडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक वेल। यानी कि हमारी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, हम पढ़ने में कितने अच्छे हैं, लिखने में कितने अच्छे हैं, बोलने में कितने अच्छे हैं, यानी हम कितने कुशल हैं लिखने पढ़ने और बोलने में, इस पे डिपेंड करता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ की क्या सक्सेस। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हमारी एबिलिटी रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग यानी स्पोकन स्किल अच्छी होगी तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अदरवाइज आपको पता होगा जिनको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं गंवारों की तरह। तो ये आपका आ गया एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक वेल। अगला कहा गया कि बैरियर्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस बैरियर्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कौन हिंडर करेगा, जो कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। यानी आप यहाँ कहेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब होता है कम्युनिकेशन में होने वाले या उत्पन्न होने वाले बैरियर, यानी बैरियर्स जो अवरोधक हैं, जो अवरोध पैदा करते हैं कम्युनिकेशन में, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बाधा डालते हैं। यानी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यहाँ पे टू आएगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब अगला और लास्ट है, कहा गया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। अगर बैरियर्स, अगर एक बैरियर लगता है अवरोध से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी ओवरकम करते हैं। यानी आपका हो जाएगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। यानी कि ट्रांसमिशन जो मैसेज का हो, यानी हम कह सकते हैं कि कन्वे जो आइडिया आप कन्वे करना चाहते हैं वो स्मूथली आप कन्वे कर पाएँ, यानी आपकी आइडिया लोगों तक पहुँच पाए, तो यहाँ पर ओवरकम हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं और ये क्लोज टेस्ट खत्म हो गया। तो क्लोज टेस्ट जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका, मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे कोई चीज़ उतना अच्छा क्लोज टेस्ट और पैसेज कर पाएंगे। कहिए सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिंटिलेटिंग मीन्स क्या होता है, सिंटिलेटिंग मीन्स होता है चमकदार, चमकता दमकता जो होता है उसको कहते हैं सिंटिलेटिंग। तो सिंटिलेटिंग की कुछ अगर सिनोनिम की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ ग्लिटरिंग की स्पेलिंग ये लिखी हुई है तो सिनोनिम तो यही हो गया। साइनिंग लिख सकते हैं, साइनिंग इन द सनशाइन, साइनिंग हो सकता है। ठीक है, ब्राइट हो सकता है, डैजलिंग आपने पढ़ा ही होगा, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डैजलिंग, ब्राइट, साइनिंग, ग्लिटरिंग, इन सब का मतलब होता है कि सिंटिलेटिंग यानी चमकदार। तो आप मेरे साथ दोहराएंगे, सिंटिलेटिंग, ग्लिटरिंग, साइनिंग, ब्राइट, डैजलिंग, सबका मतलब होता है चमकदार। अगर मैं बात करूँ स्टिंग मतलब क्या होता है, तो स्टिंग मतलब मेरे भाई होता है किसी, जो मधुमक्खी वगैरह डंक मारती है तो उसको कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, कहते हैं नहीं डंक मारने वाला ऑपरेशन, नहीं डंक मारना, स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। ग्लिटर आपको पता चल गया। फ्लैटर मीन्स क्या होता है, फ्लैटर मीन्स होता है कि अगर किसी को, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है या आकर्षक लग रहा है, यानी किसी को चापलूसी करके आकर्षित कर लेना, यानी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक या महत्वपूर्ण व्यक्ति अवस्थ होती है उसको कहते हैं फ्लैटरिंग। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आकर्षण का केंद्र, लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी हिंदी रहेगी। आप हिंदी देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट हिंदी क्या है, आकर्षण का केंद्र, मैं मीनिंग समझाए दे रहा हूँ। और फोर्थ ऑप्शन आपका है बोरिंग। बोरिंग सबको पता है, बोरिंग क्या होता है, जो आपको बोर कर दे, उबाऊ। अगला वर्ड है, कहा गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। क्या दिया गया है, वर्ड क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जो सुना ना जा सके, यानी जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे उसे कहते हैं इनऑडिबल, आपको पता होगा। इनफालिबल मतलब होता है कि जो एररलेस होता है, जो एरर ना करता हो, एररलेस क्या होता है, जो कभी गलती ना करे, यहाँ पे लिख लीजिएगा इरिवोकेबल, जो कभी गलती ना करे। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इरिवोकेबल मीन्स तो अटल होता है, इनफालिबल मतलब होता है एररनेस, ऑडिबल मीन्स होता है, ऑडिबल मीन्स क्या होता है, जो सुनाई दे, इरिवोकेबल मीन्स होता है कि जो चीज़, मतलब क्या कहते हैं, फिक्स हो, मैंडेटरी टाइप का कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ अटल हो, जो टाली ना जा सके उसको कहते हैं इरिवोकेबल। तो यहाँ पे आपका समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल, यानी जो चीज़ सुनाई ना दे उसको क्या कहते हैं, इनऑडिबल। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पे
देखिए कहा गया था कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, यानी कि ट्रॉफी जीतने के लिए कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी जिम्मेदार थे। अब आपको पता है एज वेल एज, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं और वो सिंगुलर हों, एज वेल एज अगर आपके दो सेंटेंस सब्जेक्ट दो नाउंस किससे जोड़े जाते हैं एज वेल एज से, तो उनके साथ क्या बनता है, क्या आता है, पहले के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कैप्टन कैसा है, सिंगुलर नाउन, यानी कि अगर दो नाउन एज वेल एज से जोड़े जाएं, ठीक है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले के अकॉर्डिंग आएगा, यानी नाउन वन के अकॉर्डिंग। कैप्टन कैसा है, सिंगुलर नाउन, इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब की जगह पे क्या आएगी, वाज आएगी। यानी आपका करेक्ट क्या बनेगा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, कैप्टन कैप्टन्स एज वेल सॉरी द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज, यानी आपका जो वाज आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, कैप्टन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगुलर नाउन है कैप्टन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। ठीक है, तो आपका आपको पता चल गया एज वेल एज के साथ अगर दो वो जोड़े जाते हैं सब्जेक्ट तो पहले नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। कहा गया कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, idiom का मतलब बताना। टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब क्या होता है, फ्रेंच लीव मतलब होता है, देखो फ्रांस में क्या होता है कि इतने लोग देखो इतने काम में मशगूल होते हैं कि मान लो कि एक दिन कोई काम में नहीं आया तो सबको पता होता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसा होगा, यानी बताना नहीं पड़ता, यानी कि बताना नहीं पड़ता, तो वहाँ पे कहते हैं लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि बिना किसी बताए बिना लीव लेना, इसको कहते हैं लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी टू टेक फ्रेंच लीव। याद रखिएगा कि फ्रांस में लोग बिना बताए छुट्टियां ले लेते हैं, ऐसे याद रखिएगा टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी बिना बताए बिना सूचना के छुट्टी लेना, समझ आ गया। जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए, पढ़िए। कहा गया हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। हाउ एवर जबकि, जबकि से कोई चीज़ शुरू हो सकता है, नहीं, उसके पहले कोई बात हुई होगी, ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी हमारा ए से तो नहीं शुरू हो सकता, यानी हमारे ए से एक ही ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज में कमी निकालना। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, यानी कि वे ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को उनकी स्लो प्रोग्रेस के लिए और वो जादू टोना वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में गवर्नमेंट की स्कीम से। किन के बारे में बात कर रही है, डी ऑप्शन पढ़िए, सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। देखो आप बी को पढ़िए, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पॉलिसीज जो फॉर्म की गई गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम की गई हैं उसमें हम कमी निकालें। अब डी ऑप्शन देखिए, सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स, यानी कि तब लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं कि क्या करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और निंदा करने लग जाते हैं किसकी, पॉलिसी मेकर्स की। यानी बी के बाद डी आया, ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बात हुई और ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से ही लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, यानी बी के बाद डी आ गया। अब सी को पढ़िए, अब क्रिटिसाइज किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आ गया क्रिटिसाइज और निंदा करते हैं किस तरह से, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, यानी अब उसके बाद आएगा सी और उसके बाद में आपका आएगा ए, हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, यानी जो वो जादू टोना विश्वास कर रहे थे ऐसा नहीं होगा। यानी बी आया, बी के बाद डी आया, डी के बाद सी आया, सी के बाद ए, देखिए बी डी सी ए कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बी डी सी ए दिख रहा है, ठीक है। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आप डिटेल में कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ नहीं दिख पा रहा होगा, बीच में हमारे चैनल की लिंक भी लिए और आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जो पीडीएफ होगा उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहे और थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाया करे। कहा गया ये सॉन्ग संग एट द ब्यूरियल, यानी कि ब्यूरियल पे गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, ब्यूरियल पे जो गाया जाता है गीत उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले सोनेट मतलब क्या होता है, सोनेट मतलब होता है एक पॉलिटिकल नहीं पोएटिक फॉर्म होता है, मतलब एक 14 लाइन की कविता कह सकते हैं, होती है एक कविता होती है सोनेट जिसे कहलाते हैं। डिर्ज जो होता है वो होता है जो ब्यूरियल पे गाया जाने वाला गीत होता है, तो डर्ज हो गया, डर्ज या डिर्ज जो भी पढ़ें वो क्या होता है, ये सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, यानी आपका आंसर हो गया डर्ज। हिम क्या होता है,
हिम ना पढ़िएगा, हिम पढ़िएगा। हिम मतलब होता है कि कोई धार्मिक गीत, धार्मिक गीत जो होता है यानी कि मंत्र वगैरह, उसको कहते हैं हिम, या धार्मिक मंत्र कह सकते हैं, मंत्र को कहते हैं हिम्न। और बैलाड मीन्स क्या होता है? बैलाड मीन्स होता है कि अगर आपकी कोई प्रेम प्रसंग रहा हो उसकी गाथा गाते हैं तो आप कहते हैं बैलाड। बैलाड होता है कि लवर्स के बीच की गाथा अगर गाई जाती है तो उसको कहते हैं, यानी लव स्टोरी कह सकते हैं, लव स्टोरी टाइप का कुछ हो अगर तो उस पर पोएट्री या गद्य लिखा जाए तो उसको कहते हैं बैलाड। तो आपको पता चल गया ये सॉन्ग संग एट ब्यूरियल स्कार्डर्स, हिम होता है धार्मिक मंत्र, सोनेट होता है पोएट्रिक फॉर्म, बैलाड होता है प्रेम प्रसंग। यह हार्ड नट टू क्रैक ईडीएम है, इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब हार्ड नट हो जिसको क्रैक करना बहुत कठिन हो, यानी कि यह हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक ऐसे समझिए, नट मतलब होता है डली, एक बहुत बड़ी डली हो उसको कूचना हो, आपको दांत से तोड़ना हो तो बहुत कठिन लगेगा ना, तो आप कह सकते हैं ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कहे फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज़, कहा गया कि ये जो ग्लास टेबल है इसको आराम से हैंडल करिए क्योंकि ये कैसी है? अच्छा, ग्लास की टेबल्स कैसी होती हैं? आप कहेंगे कि जो ग्लास की टेबल्स होती हैं मेरे भाई वो कैसी होती हैं? टूटने वाली होती हैं। कैसी होती हैं? टूटने वाली होती हैं, यानी इजिली टूट जाती हैं, यानी कि कैसी होती हैं? फ्रेगाइल होती हैं। तो अभी ऑप्शन आप पढ़िएगा, फ्रूगल, डक्टाइल, फ्रेगाइल, वोलेटाइल। अगर मैं बात करूँ सर फ्रूगल की, फ्रूगल यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, फ्रूगल, फ्रेगाइल, यहाँ थोड़ा इधर करके, फ्रूगल, फ्रेगाइल, डक्टाइल, यही ऑप्शंस है आपके, डक्टाइल और कौन सा था, और वोलेटाइल शायद था, हाँ वोलेटाइल था, ये चार ऑप्शन थे। अब सबसे पहले सबकी मीनिंग बताइए। फ्रेगाइल मीन्स क्या होता है? जो इजीली टूट जाए, कांच वगैरह फ्रेगाइल होते हैं, तो यहाँ पे तो आपका फ्रेगाइल आ गया क्योंकि ये तुरंत टूट जाएगी अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो फ्रेगाइल तो यहाँ पे फिल हो गया। फ्रूगल मीन्स क्या होता है? अगर मैं बात करूँ सर फ्रूगल मीन्स क्या होता है, फ्रूगल मीन्स होता है जो बहुत मितव्ययी हो, यानी कि जो बहुत किफ़ायती हो, किफ़ायती को कहते हैं मितव्ययी, जो बहुत आवश्यक पैसे खर्च होते, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पैसे खर्च करता है, उसको कहते हैं फ्रूगल। डक्टाइल क्या होता है? जिसको हम खींच के मतलब कह सकते हैं धातु वर्धनीयता, यानी जिसका हम तार बना सकें, यानी जिसको वायर में बदल सकते हैं खींच के, जैसे सोना चांदी वगैरह हो गया, उसको कहते हैं डक्टाइल। और वोलेटाइल मतलब होता है अचल, सॉरी चल वचल चर जिसको कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स होता है जो बड़ा चंचल टाइप का होता है, यानी अस्थिर होता है, उसको कहते हैं वोलेटाइल, अस्थिर होता है उसको कहते हैं वोलेटाइल। तो आपको पता चल गया फ्रेगाइल मीन्स होता है भंगुर हो जाने वाला, टूटने वाला, फ्रूगल मीन्स होता है किफायती, डक्टाइल मीन्स होता है जिसकी धातु वर्धनीयता ज़्यादा हो यानी तार में खींचा जा सके, वोलेटाइल मीन्स होता है स्थिर। और फ्रेगाइल की हिंदी ऐसे याद रखिएगा क्षण भंगुर, यानी कि क्षण भर में टूट जाए। कहा गया सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोकेट। आपने पढ़ा होगा कि एक पैन केक होता है जिसको हम कहते हैं बकेट, भी आप जानते होंगे बकेट मीन्स होती है बाल्टी, वी यू सी के ई टी बकेट। आपका एक होता है बी O U K, एक मिनट स्पेलिंग सही लिख दूँ, एक होता है V O U K E T, ये एक पैन केक होता है, इसको वॉकेट कहते हैं। ह्यूमिलिएशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है H U M I L I A T I O N, ह्यूमिलिएशन, इसका मतलब होता है किसी का अपमान कर देना। अगर बात करें सार्केज्म, सार्केज्म मीन्स होता है कटाच, तो करेक्ट स्पेलिंग यही है, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया था। रिटेलिएट की स्पेलिंग होती है आर ई टी, ये भी गलत है, आर ई टी ए एल आई ए टी, रिटेलिएट मतलब होता है आपके साथ किसी ने गलत किया था, आपने बदला ले लिया, बदला लेना, रिटेलिएट मीन्स होता है बदला लेना। तो आपको सबकी करेक्ट स्पेलिंग पता चल गई और सबका मतलब भी पता चल गया। तो सार्केज्म आर ए ओ सॉरी एस ए आर सी ए एस एम, सार्केज्म, सार्केज्म मीन्स होता है कटाच। कहा क्या गया सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बताना। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग क्लाज होती है, रिपोर्टिंग क्लाज ये है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच ये है। देखो ही सेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट किस में है? पास्ट में, पास्ट सेड टू है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दिया गया कैन यू टेल मी द टेरिफ ऑफ रूम्स, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में सेट टू किस में बदलता है? आस्क्ड में, यानी ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट। अब देखो दैट तो आएगा नहीं क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर आता है, तो इफ़ यहाँ पे आया मतलब दैट भी आया, इफ़ भी आया, यानी ये तो गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, इफ़ आना चाहिए, इफ़ यहाँ पे भी नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़, अब मान लो इफ़ यहाँ पे आ भी गया, लेकिन आपको पता है ये पास्ट में है, तो यहाँ पे जो कैन है ये कैन का टेंस चेंज होगा, कैन कुड में जाएगा, यहाँ पे कैन ही है, तो ये भी गलत हो गया, यानी आपका बदलेगा ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट, इफ़ आएगा ही, फिर कैन का कुड, टेल हिम द टेरिफ ऑफ द रूम्स, यानी आपका करेक्ट क्या हो गया? ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़ ही कुड टेल हिम द टेरिफ ऑफ द रूम।
ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। कहा गया आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, यानी मैं जब 5 साल का था तो मैं तैर सकता था, बहुत तेज तैर सकता था। यहाँ पे जब मैं 5 साल का था, यानी पास्ट की बात है, और पास्ट की बात के साथ कहना सकता है नहीं, आपको पता है इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा, यानी कुड आएगा, यानी आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो गलती किस में है, आई कैन स्विम में, यानी आपका आई कैन स्विम में गलती है, यहाँ पे आना चाहिए आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। कहा गया सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एक्सिबिट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्सिबिट, EXHIBIT, इसमें से बताना है सही कौन सा लिखा हुआ, सही कौन सा लिखा हुआ। देखिएगा, अगर मैं बात करूं सर कि एक्सिबिट मींस क्या होता है, तो एक्सिबिट की एकदम करेक्ट स्पेलिंग आपको ऑप्शन में दी गई है, यही सही भी हो जाएगा क्योंकि सही स्पेलिंग पूछी गई। इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सार्वजनिक कर दें, यानी सार्वजनिक कोई चीज़ प्रदर्शित करें तो उसको कहते हैं एक्सिबिट करना, सार्वजनिक प्रदर्शन किसी चीज़ का कहलाता है एक्सिबिट करना। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी को खींचना, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। एग्जॉस्ट की स्पेलिंग होती है EXHAUST, एक्सट्रैक्ट की EXTRACT होती है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, ठीक है। और आपका एक्सहेल की स्पेलिंग होती है EXHALE, एक्सहेल मतलब होता है कि सांस को बाहर छोड़ना, यानी सांस को बाहर, ब्रीद इन ब्रीद आउट जो होता है, ब्रीद इन मतलब होता है इनहेल, और ब्रीद आउट मतलब होता है जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सहेल। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है कि जो मोटर गाड़ियों से जो गैस निकलती है या हमारे जो घरों से जो एग्जॉस्ट लगा होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कमरे में इकट्ठा होती है उसको बाहर फेंकता है, तो इसको हम कहेंगे व्यर्थ गैस, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक्सिबिट की स्पेलिंग करेक्ट थी, जिसका मतलब होता है सार्वजनिक प्रदर्शन, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, एग्जॉस्ट मतलब व्यर्थ गैस, एक्सेल मतलब होता है ब्रीद आउट। कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बतानी है, एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है कूच करना, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में कहीं पर माइग्रेट कर जाना, कूच करना। इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इवैक्यूएट कर जाना, इवैक्यूएशन कह सकते हैं, EVACTION, इवैक्यूएशन हो गया, माइग्रेशन हो सकता है, माइग्रेट कर जाना कहीं से, माइग्रेशन भी एकदम सही है आपका। अगर मैं बात करूं कि कहीं से लीव कर जाना, यानी आप क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो आपका वो भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब डिपार्चर मतलब क्या होता है, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, तो ये भी हो जाएगा, डिपार्चर भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो डिपार्चर एंटोनिम होगा नहीं, रिफंड मतलब होता है वापस करना, ये भी नहीं होगा, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, ये भी नहीं होगा, अराइवल कहीं से आप जा रहे हैं, कहीं पे आप आ रहे हैं, तो इसका जाने का अपोजिट हो जाएगा आना, अराइवल, तो आपका एंटोनिम क्या हो गया, अराइवल। कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है क्वेसेंट, क्वेसेंट मीन्स क्या होता है, क्वेसेंट अगर स्पेलिंग आप ध्यान से देखें तो आपको दिखा QUIESCENT, क्यूसेंट, ठीक है, क्यूसेंट, क्योसेंट मतलब होता है, जैसे याद रखिएगा कि कोई संत क्यों बनता है, जब वो एक्टिव नहीं रह जाता तब वो संत हो जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति इनएक्टिव हो जाता है तो उसको कहते हैं कि कैसे संत बन गया, यानी ऐसे याद रखेंगे, कोई व्यक्ति इनएक्टिव है यानी इनर्ट हो गया, अक्रिय हो गया है, तो उसको कहेंगे हम क्वेसेंट, या हम कह सकते हैं लेटेंट हो गया है, या एक लेटेंट की स्पेलिंग, एक मिनट, LAT सिंगल होता है, LATENT होता है, और आपको फैलो भी हो सकता है, फैलो मतलब भी होता है कोई अगर कार्य करने में विश्वास नहीं रखता तो उसको कहते हैं क्वेसेंट। इन सब का मतलब होता है कि कार्य करने वाला ना हो, इनएक्टिव हो जाए। पीसफुल मतलब होता है शांति प्रिय, डिजेक्टेड मतलब होता है आपका हताश, कोई बहुत ज़्यादा हताश हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जो चाहे पॉजिटिव हो रहा है स्टोइक टाइप का, जो निगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है उसे मतलब नहीं, उसे बस एक ही तरह से स्थिर रहना। एक्टिव, इनएक्टिव क्वेसेंट मतलब होता है एक्टिव होता है जो एक्टिव हो, यानी आपका अपोजिट हो गया एक्टिव, यानी करेक्ट हो गया इसका अपोजिट एक्टिव। क्वेसेंट का सिनोनिम याद रखेंगे इनएक्टिव, इनर्ट, लेटेंट, फैल, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, आई होप आपको सब कुछ पसंद आ गया होगा, सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। CGL 2019 के TCS द्वारा पूछे गए, CPO 2019 के TCS द्वारा पूछे गए, Tier 1 के टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। वीडियो पसंद आएगी फैला देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और देखो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो चैनल पे बेझिझक कमेंट करिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। योर वॉइस ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइज, बाय बाय, ब्लेसिंग देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आई एम ऑलवेज हियर विद यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।